दोस्तों शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेजबान शिराज का सलाम पहुंचे। दोस्तों हालिया चंद सालों में इंडिया ने कुछ बड़े दिफाई मुआहदे किए हैं जिनमें मिसाइल, हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, सबमरीन, वारशिप और ड्रोन शामिल हैं। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में एक बड़ा दिफाई बजट भी रखता है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी इन्हीं अपने बजट में रहते हुए भारत की किसी भी कार्रवाई का मुनासिब जवाब देने की मनसूबाबंदी कर रखी है। पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस की सलाहियतों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि महदूद दिफाई बजट के होते हुए भी पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं ताकतवर तरीन मिलिट्री के तौर पर जाना जाता है। और बारहा पाकिस्तान मिलिट्री अपनी गैर ममूल कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल 27 फरवरी 2019 है। दोस्तों पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अल खालद और जरार टैंक, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, Z-10 हेलीकॉप्टरों के हसूल के लिए चीन से राबते, चीन से JY-27 रेडारों की पाकिस्तान एयरबेसों पर तैनाती, ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत, JF-17 थंडर तैयारों की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत और सबसे बढ़कर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पाकिस्तान एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है और भारत की किसी भी नापाक हरकत का बरवक्त जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। दोस्तों भारत पर पूरी इसराइली और खास तौर पर अमरीकी नवादशात की असल वजह चीन है। दोस्तों यूरोप और अमरीका चीन की तेजी से तरक्की करती हुई इकनॉमी से खौफजदा हैं और चीन को काउंटर करने के लिए दिफाई लिहाज से भारत को मजबूत कर रहे हैं, जबकि इंडिया को लगाम डालने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है और ऐसा करना चीन की मजबूरी भी है, क्योंकि जनूबी एशिया में पाकिस्तान के अलावा ऐसा कोई मुल्क नहीं जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में हो। दोस्तों J-31 चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट है और इस तैयारी के बारे में कहा जाता है कि चीन ने इस तैयारी में अपनी तमाम तर तवानाइयों को झोंक दिया है। इस हवाले से माहिरीन ये भी कहते हैं कि ये रूस के SU-57 और अमेरिका के F-22 रैप्टर के हमपल्ला होने के साथ साथ कीमत में इन दोनों तैयारों से इंतहाई कम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस तैयारे को हासिल कर सकता है और क्या चीन J-31 तैयारा पाकिस्तान को देगा, तो इसका इन्हिसार भारत के मुस्तकबिल के तैयारों पर है कि भारत राफेल के बाद कौन सा तैयारा अपनी फजाइया में शामिल करता है, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका के कहने पर भारत को राफेल तैयारे तो दिए, लेकिन JF-17 Block 3 के बाद राफेल तैयारा भी भारत को चीन या पाकिस्तान पर बर्तरी नहीं दिला सका। मतलब राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास F-16 और Block 3 की सूरत में बहुत ही ताकतवर तैयारे मौजूद हैं और चीन जैसी एडवांस फजाइया का भारत जैसी फजाइया से मुवाजना करना वैसे भी चाइनीज एयरफोर्स की तोहीन है। प्यारे दोस्तों ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगाए जाने के बाद तकरीबन सारी गेम ही चेंज हो चुकी है। प्यारे दोस्तों अब कुछ इंडियंस ये सवाल उठाएंगे कि PL-15 मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है, जबकि ब्लॉक 3 में लगाए गए KLJ-7 रडारों की रेंज इससे कम है, तो इसका जवाब ये है कि इस रडार की रेंज को इंक्रीज करने के बाद ही PL-15 मिसाइल को लगाने का फैसला किया गया है। दोस्तों KLJ-7 की रेंज कितनी है ये एक सीक्रेट है और वक्त आने पर इंडियन एयरफोर्स को सरप्राइज दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों ये कन्फर्म न्यूज नहीं, लेकिन जराए की जानिब से ये भी दावा किया जाता है कि अमेरिका भारत को F-35 तैयारों को सेल करने की मंजूरी दे सकता है, लेकिन इसके लिए मजीद कुछ साल लग जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अमेरिका भारत से F-15 Eagle या फिर FA-18 तैयारों की एक बड़ी डील करने का इरादा रखता है। और अगर भारत MMRCA डील के तहत अपने 12 स्क्वाडन तैयारों की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन या बोइंग कंपनी से बड़ी डील करता है, तो इसके बाद अमेरिका भारत को चंद F-35 तैयारे दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो चीन को हर सूरत J-31 पाकिस्तान को देना पड़ेंगे। दोस्तों ये तैयारा पाकिस्तान की पहली तरजीह क्यों है, इसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि J-31 आज के दौर का जदीद स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और स्टेल्थ तैयारों को डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है। दूसरी वजह इस तैयारे में चूँकि RD-93 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और यही इंजन पाकिस्तान के JF-17 Thunder तैयारों में इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से JF-17 Thunder की पर हावर फ्लाइंग कास्ट और मेंटेनेंस कास्ट दूसरे तैयारों की निस्बत बहुत कम है। नाजरीन इस तैयारे को खरीदने की एक वजह मिराज और F-7 PG तैयारे भी हैं, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में ये तैयारे रिटायर्ड कर दिए जाएंगे। दोस्तों J-31 के बारे में इतलात यही है कि ये तैयारा अभी तक तकमील के आखिरी मराइल में है और बहुत जल्द इसे दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और ज्यादातर दिफाई माहिरीन की राय में J-31 का पहला खरीदार पाकिस्तान ही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और चाइना जिंदाबाद पाइंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए।
अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।